हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल स्टडी पॉइंट। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 5 है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन पे बेस्ड कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस को। फ्रेंड्स, इससे पहले हम 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और हमने 4 कलर पे बेस्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस को अभी तक डिस्कस किया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन चारों के चारों वीडियो को आप देख सकते हैं, राइट। तो आज हम यहाँ पे ग्रीन पे बेस्ड फ्रेजेस को करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला फ्रेज है आज का, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड का मतलब होता है कि ये सोच लेना या ये मान लेना कि जो दूसरे हैं उनके पास क्या है, बेटर सर्कमस्टेंसेस है, यानी कि अच्छी परिस्थिति है, राइट। चाहे उनके पास अच्छी परिस्थिति हो या ना हो, लेकिन ये मान लेना या ये सोच लेना कि दूसरों के पास क्या है, एक अच्छी सिचुएशन है, एक अच्छी कंडीशन है, राइट। अगर मैं इसकी मीनिंग लिखना चाहूं तो इसकी मीनिंग हो जाएगी टू थिंक दैट, अदर्स आर इन बेटर सर्कमस्टेंसेस, राइट। टू थिंक दैट अदर्स आर इन बेटर सर्कमस्टेंसेस हो जाएगा। दूसरा इडियम है टू हैव अ ग्रीन थंब या फिंगर्स। तो टू हैव अ ग्रीन थंब या फिंगर्स का मतलब होता है कि किसी को प्लांट्स को ग्रो करने की स्किल होना, ठीक है, या उसको प्लांट्स को उगाने की क्या होना, स्किल होना, या उसको उस काम के बारे में अच्छे से नॉलेज होना, उसी को बोलते हैं टू हैव अ ग्रीन थंब या फिंगर्स। या इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई ऐसा पर्सन जिसको गार्डनिंग में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, तो उसको बोलते हैं टू हैव अ ग्रीन थंब या फिंगर्स, राइट। अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो इसकी मीनिंग हो जाएगी स्किल एट ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक, या टू हैव इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, ठीक है, यानी कि बागवानी में इंटरेस्ट होना, उसी को हम बोलते हैं टू हैव अ ग्रीन थंब या फिंगर्स, राइट। नेक्स्ट है इसके बाद ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है कि बेसिकली जेलसी, ठीक है। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब क्या हो गया, जेलसी, जिसको हम बोलते हैं ईर्ष्या, राइट। नेक्स्ट है इसके बाद ग्रीन विद एनिमी। तो ग्रीन विद एनिमी का मतलब भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसे ही होते हैं। तो इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली जेलस, ठीक है। तो किसी से बहुत ज्यादा ईर्ष्या होना, उसी को बोलते हैं ग्रीन विद एनिमी। नेक्स्ट इसके बाद हैव ग्रीन आईज। तो हैव ग्रीन आईज का मतलब भी सेम होता है, बी जेलस या एनवी, राइट। तो ये 3 इडियम्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, राइट। ग्रीन आईड मॉन्स्टर का मतलब हो गया जेलस, ये ध्यान देना यहाँ पे, इसकी मीनिंग ये वाली है, ठीक है, जेलसी हो गया। ग्रीन विद एनवी का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली जेलस, और हैव ग्रीन आईज का मतलब हो गया बी जेलस या एनवी हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद लुक ग्रीन। तो लुक ग्रीन का मतलब होता है जब भी कोई ऐसा पर्सन जो दुखी दिखता है या उसके फेस पे एक बहुत नॉर्मल से क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, तो इसी चीज को बोलते हैं लुक ग्रीन। तो लुक ग्रीन का मतलब हो गया लुक पेल, या इसी को हम कह सकते हैं इल, या लुक इल, यानी कि बीमार दिखना, ये हो गया लुक ग्रीन का मतलब। नेक्स्ट है अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी भी चीज में क्या है, नया है, नॉविस है, बिगिनर है, ठीक, राइट। जैसे आप मान लो किसी कंपनी में नए हो तो आप क्या कह सकते हैं कि आई एम अ ग्रीन हॉर्न इन दिस कंपनी, ठीक है। तो अ ग्रीन हॉर्न का मतलब हो गया अ नॉविस या न्यू इन समथिंग, न्यू इन
समथिंग, ठीक है, तो किसी चीज में क्या होना, नया होना, राइट। तो ये हो गया अग्री हॉर्न। देखो ये जो ग्रीन हॉर्न वाला इडियम है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको स्टार कीजिए। अग्रीन हॉर्न कई बार जो है ये पेपर में पूछा गया है, राइट। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या हो गया, अनोविस, अनोविस का मतलब कोई स्टार्टर जो शुरू कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ग्रीन बेल्ट, तो ग्रीन बेल्ट का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो ग्रीन बेल्ट का मतलब होता है अ बेल्ट ऑफ पार्कवेज, इसका मैं अगर मतलब लिखूं, अ बेल्ट ऑफ पार्कवेज, ठीक, अ बेल्ट ऑफ पार्कवेज और फार्म लैंड्स, ठीक है, फार्म लैंड्स दैट एन सर्कल, दैट एन सर्कल्स विथ, दैट एन सर्कल विथ कम्युनिटी, ठीक है, दैट एन सर्कल विथ कम्युनिटी। तो इसका मतलब हो जाएगा, ग्रीन बेल्ट का मतलब हो गया अ बेल्ट ऑफ पार्कवेज और फार्म लैंड्स दैट एन सर्कल विद कम्युनिटी, दैट एन सर्कल्स विद अ कम्युनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसा एरिया फार्म लैंड्स जो कम्युनिटी के द्वारा क्या है, एन सर्कल है, तो उसी को हम बोलते हैं ग्रीन बेल्ट, ठीक। नेक्स्ट है टू बी ग्रीन, टू बी ग्रीन का मतलब क्या होता है, तो टू बी ग्रीन का मतलब होता है इमेच्योर या न्यू एट समथिंग, ठीक है। तो टू बी ग्रीन का मतलब होता है इमेच्योर, इमेच्योर या न्यू एट समथिंग, किसी चीज में नया होना, ऑलमोस्ट जो अ ग्रीन हॉर्न जो मीनिंग कन्वे करता है, ऑलमोस्ट टू बी ग्रीन भी वही मीनिंग क्या करता है आपका, कन्वे करता है। तो टू बी ग्रीन का मतलब हो गया इमेच्योर या न्यू एट समथिंग, किसी चीज में नया होना। नेक्स्ट है टू गेट ग्रीन लाइट, टू गेट ग्रीन लाइट, अगर मैं इस इडियम को एक पर्टिकुलर सिचुएशन से अगर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तो आप जब भी ट्रैफिक में होते हैं तो आपको पता है जहां पर सिग्नल लगे होते हैं आपके, तो जब ग्रीन लाइट आपकी जलती है या जब आपको ग्रीन लाइट मिलती है तब क्या होता है, तब क्या होता है आप मुझे बताइए जरा, ठीक है, तब क्या होता है। तो जब आपको ग्रीन लाइट मिलती है तो बेसिकली आपको कि आप उस टाइम निकल सकते हैं, जा सकते हैं, राइट, या आपको जाने की क्या मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है, राइट। तो टू गेट ग्रीन लाइट का मतलब होता है टू गेट अप्रूवल और टू डू समथिंग, ठीक है। टू गेट, अगर मैं इसकी मीनिंग लिखूं तो टू गेट अप्रूवल ऑफ, ऑफ टू गेट अप्रूवल ऑफ टू डू समथिंग, ठीक है। तो किसी चीज को करने की क्या मिल जाना, अनुमति मिल जाना है, इसी को हम बोलते हैं टू गेट ग्रीन लाइट। तो टू गेट ग्रीन लाइट का मतलब क्या हो गया, टू गेट ग्रीन लाइट का मतलब हो गया टू गेट अप्रूवल टू डू समथिंग, ठीक है। तो टू गेट अप्रूवल टू डू समथिंग हो जाएगा, ठीक, यानी कि किसी चीज को करने की अनुमति मिल जाना या अप्रूवल मिल जाना, इसी को बोलते हैं हम टू गेट ग्रीन अप्रूवल, टू ग्रीन लाइट। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पे ग्रीन पे बेस्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस किया है, आओ एक बार हम फिर से इसका क्या कर देते हैं, रिविजन कर देते हैं, राइट। तो सबसे पहले है ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, सो ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड का मतलब होता है कि जब हम ये मान लेते हैं कि दूसरे लोग या जो और हैं या जो अन्य हैं वो अच्छी परिस्थितियों में हैं, ठीक है, यानी कि टू थिंक दैट अदर्स आर इन बेटर सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट इसके बाद टू हैव अ ग्रीन थंब या फिंगर्स, टू हैव अ ग्रीन थंब या फिंगर्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, या एक ऐसा पर्सन जिसको गार्डनिंग करने की क्या है, स्किल्स है, या जिसको प्लांट को उगाने में क्या है, स्किल्स होती है, उसी पर्सन को बोलते हैं टू हैव अ ग्रीन थंब या फिंगर्स। नेक्स्ट इसके बाद ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब हो गया जेलसी, ईर्ष्या, राइट, ये जेलसी हो गया। नेक्स्ट है ग्रीन विद एनवी, तो ग्रीन
विद एनवी का मतलब होता है कि ईर्ष्या होना, ठीक है, किसी से बहुत ज्यादा ईर्ष्या होना, यानी कि टू बी एक्सट्रीमली जेलस। नेक्स्ट हैव ग्रीन आईज, हैव ग्रीन आईज का मतलब है बी जेलस या एनवी, यानी कि ईर्ष्या होना, राइट। नेक्स्ट है इसके बाद, नेक्स्ट है लुक ग्रीन, लुक ग्रीन का मतलब है लुक पेल या इल, बीमार दिखना या अजीब सी शक्ल दिखना, इसी को हम बोलते हैं लुक ग्रीन या लुक पेल हो जाएगा। नेक्स्ट है अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी चीज में नया है, नॉबिस है, या उसको काम इतना ज्यादा नहीं आता है, तो इसी को बोलते हैं हम अ ग्रीन हॉर्न, यानी कि नॉबिस या न्यू एट समथिंग। नेक्स्ट है ग्रीन बेल्ट, ग्रीन बेल्ट का मतलब होता है कि अ बेल्ट ऑफ पार्कवेज या फार्म लैंड जो एक कम्युनिटी के द्वारा क्या हो, ग्रीन हो, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद टू बी ग्रीन, टू बी ग्रीन का मतलब ही होता है इमेच्योर या किसी चीज में नया होना, अपरिपक्व होना, ये हो गया आपका टू बी ग्रीन। नेक्स्ट है इसके बाद टू गेट ग्रीन लाइट, तो टू गेट ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि किसी चीज को करने की अनुमति प्राप्त होना या उसका अप्रूवल मिलना, ये होता है टू गेट ग्रीन लाइट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे के सारे idioms समझ में आ गए होंगे, और अब यहाँ पे बारी है आपका मेरे साथ पार्टिसिपेट करने की, राइट। तो सबसे पहले idioms है, आपको मेरे साथ साथ बोलना है, मैं यहाँ पे idioms पढ़ूंगा जैसे हमारा डे वन से चल रहा है, ठीक। पहला है ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो आपको बोलना है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है टू हैव अ ग्रीन थंब या फिंगर्स, वेरी गुड। नेक्स्ट है ग्रीन आईड मॉन्स्टर, राइट। नेक्स्ट है इसके बाद ग्रीन विद एनिमी, वेरी गुड। नेक्स्ट हैव ग्रीन आईज, नेक्स्ट है लुक ग्रीन, राइट। नेक्स्ट है अ ग्रीन हॉर्न, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है ग्रीन बेल्ट, राइट। नेक्स्ट है टू बी ग्रीन, और लास्ट है आपके पास टू गेट ग्रीन लाइट, तो इसका मतलब हो गया, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने सारे मेरे साथ बोले होंगे, पार्टिसिपेट किया होगा, आप जितना बोलोगे उतना ज्यादा ही आपको समझ में आएगा, और उतने लॉन्ग टर्म तक हमारी मेमोरी में क्या होती चीजें फिट रहती हैं, राइट। सो गाइस, आज हमने डिस्कस किया ग्रीन पे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 6 में हम कुछ और idiom को डिस्कस करेंगे जो अलग कलर पे बेस्ड होंगे। आई होप गाइज ये अप्रोच आपको पसंद आ रही होगी, और इसके बाद मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 6 में। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन गिवन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।